नमस्कार मित्रों, फरी एक बार स्वागत छे आप सर्व विद्यार्थी मित्रोंनो तमारी પોતાની YouTube चैनल માં। આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 1 ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડિયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। સૌપ્રથમ આપણે તેમાં જોશું અભ્યાસ। પ્રશ્ન 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो जवाब आवशे इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। त्यार पछी नंबर 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो जवाब आवशे मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। त्यार पछी नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जवाब आवशे जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। त्यार पछी छे नंबर 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उदाहरण में अहीं आपेलू छे शिकारी दयालु, तेना जेवा आपणे शब्दों जोईए तो हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, सावक, आंसू, पशु और अस्पताल। त्यार पछी छे नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। हमणा आपणे शब्दों जोया तेना आपणे वाक्य बनावाना छे। तो जोईए पहेला पहेलू छे शिकारी, वाक्य बनशे राजा एक अच्छा शिकारी था। त्यार पछी दयालु, तो सविता दयालु लड़की है। त्यार पछी छे हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है। त्यार पछी छे जंगल, तो शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। शावक, सावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, आंसू माँ की आंखों में आंसू थे। त्यार पछी छे पशु, तो गाय दुधार पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। जोईए तेनी अंदर नंबर 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो जवाब आवशे पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। त्यार पछी नंबर 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो जवाब आवशे हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। त्यार पछी छे नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो जवाब आवशे हिरनी देखने में मोटी ताजी है। नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो जवाब आवशे शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। त्यार पछी छे नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो जवाब आवशे गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी की समीप गया। त्यार पछी नंबर 6, हिरनी की समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो जवाब आवशे हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक सावक को जन्म दिया है। त्यार पछी छे नंबर 7, शिकारी हिरनी को क्यों कहाँ ले गया क्यों? तो जवाब आवशे शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। त्यार पछी छे नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया क्यों? तो जवाब आवशे शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। अहीं उदाहरण में आपेलू छे ख, तो तेना शब्द बनशे खरगोश, खत्म, खाली और खाना। तेना जेवा आपणे बीजा पण वर्ण आपेला छे ट, ड, म अने भ। तो જોઈએ આપણે ટ પરથી શબ્દ, તો ટકસાલ, ટકા, ટખના અને ટમટમ। ત્યાર પછી ડ, તો ડકાર, ડકૈતી, ડગ અને ડમ, ડગમગ। ત્યાર પછી છે મ ઉપરથી, તો મકડી,
मकर, मधुर और मक्षिका। त्यार पछी भ, तो भगत, भगदंड, भगवा अने भगोड़ा। त्यार पछी हवे आपणे जोशुं तेनुं स्वाध्याय, जेमां छे नंबर एक, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया अपने विचार लिखिए। तो जोइए जवाब, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी, वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। त्यार पछी छे नंबर बे, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। जो अहीं तमने आपेलू छे बातुनी कछुआ, जोइए तेनी कहानी। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातुनी था। वही दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपनी मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ने हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उससे मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। चलो त्यार पछी हवे आपणे बीजी जोईए कहानी, बुद्धिमान कौवा। तो एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां से एक घड़ा दिखाई दिया, घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वह आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे, उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। त्यार पछी आगळ जो प्रश्न नंबर 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनकर लिखिए। एक बार एक कौवा कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई, उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा बड्डा और कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ने, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से कांव कांव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गए। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों। तो जोइए जब प्रश्न 2 और 3 में से 3 कहानियाँ दी गई है, बुद्धिमान कौवा, बातुनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। 3 कहानियाँ रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियाँ बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बौद्ध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जो अहीं आपने आपेलू छे दयालु, तो तेनो विरोधी थशे निर्दयी। त्यार पछी बहुत, तो थोड़ा।
स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश तो नाखुश, जन्म तो मरण, बुराई तो भलाई। ત્યાર પછી છે વાક્ય પ્રયોગ, જોઈએ નંબર એક, દયાલુ તો દયાલુ, મનોજને આહત ચીડિયાકો બચાયા, નિર્દય શિકારી નિર્દય હોતે હે। ત્યાર પછી છે બહુત, નંબર બે, બહુત તુમ બહુત થક ગયે હો, થોડા અબ થોડા આરામ કર લો। ત્યાર પછી નંબર ત્રણ પર છે સ્વસ્થ, તો આજ મેં સ્વસ્થ હું, અસ્વસ્થ કલ મેં અસ્વસ્થ થા। ત્યાર પછી નંબર ચાર ખુશ, वह हमेशा खुश रहता है। त्यार पछी छे नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। त्यार पछी नंबर पांच जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। त्यार पछी नंबर छ बुराई, मैंने आपको आपके साथ कभी बुराई नहीं की। त्यार पछी छे भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર છ, નીચે દિયે ગયે વાક્યો મેં સે જો સંજ્ઞા હે ઉન્હે રેખાંકિત કીજીએ। ઉદાહરણમાં આપેલું છે તે પ્રમાણે આપણે નીચેના વાક્યો પણ જોવાના છે। તો જોઈએ નંબર એક, પૂજન કી પરીક્ષા 5 બજે તક ચલને વાલી થી, તો એમાંથી પૂજન અને પરીક્ષા એ સંજ્ઞાવાચક। ત્યાર પછી છે નંબર બે, સબ અંબાજી જા રહે થે, તો અંબાજી એ સંજ્ઞા। ત્યાર પછી નંબર ત્રણ, ગુલાબ કા ફૂલ મુજે પસંદ હે, ગુલાબ અને ફૂલ એ સંજ્ઞા છે। ત્યાર પછી નંબર ચાર, હિમાલય કી ચઢાઈ બહુત કઠિન થી, હિમાલય અને ચઢાઈ એ સંજ્ઞા છે। નંબર પાંચ, આજ બિલ્લી કા સારા દૂધ પી ગઈ, બિલ્લી ઓર દૂધ એ સંજ્ઞા। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર સાત, અંદાજ અપના અપના યહી શિકારી કી જગહ તુમ હોતે તો ક્યાં કરતે ચર્ચા કીજીએ। જોઈએ જવાબ, યદી શિકારી કી જગહ મેં હોતા તો મેં ભી હિરની કે સાથ વૈસા હી વ્યવહાર કરતા જૈસે જૈસા કી શિકારીને કિયા। ચર્ચા કીજીએ, તો નરેન્દ્ર ઘાયલ હિરની ઓર ઉસકે નવતાજ શાવક કો દેખકર મેરા દિલ ભર આતા। પરેશ બોલા, મેં તુરંત દોડકર રિક્ષા યા કિસી દૂસરે વાહન કો લે આતા। ત્યાર પછી અખિલ બોલા, તો રિક્ષા યા કિસી અન્ય સવારી કો કિયારા દેના પડતા, અગર તુમ્હારે પાસ કિયારે કે પૈસે ન હોતે તબ ક્યાં કરતે। પરેશ બોલા, તબ મેં દોડકર સીધે અસ્પતાલ પહોંચતા ઓર હિરની કી હાલત બતાકર ઉનસે એમ્બ્યુલન્સ ભેજને કા અનુરોધ કરતા। નરેન્દ્ર હા, કિસી તરહ હિરની કા ઇલાજ તો કરવાના હી થા, ઉસકે બચને પર હી उसके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। तो आ वीडियो नी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तों ने जरूर थी शेर करजो। फरी मळीशुं अपने पाठ नंबर 2 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।